कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात ना अहल कर देती है। ताहयात ना अहल की कोई तो मंतक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के ताहयात ना अहल से मुतालिक केस में रिमार्क्स, जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है और कौन ईमानदार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत। मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ भी अपील आज सुनी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी के हल्का ने 214 उबरकोट से कागजात नामजदगी मंजूर। जैन कुरैशी के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कराची में पीटीआई उम्मीदवार अरसलान खालिद की अपील मंजूर। हलीम आदिल शेख को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। शहबाज शरीफ की एन ए 132 से कागजात मंजूरी पर आरओ से जवाब तलब। निगरा वजीर आजम से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जाकर करने की हिदायत। टांग में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द गुल यूसुफ दहशतगर्द हमलों समेत बेगुनाह शहरी का कत्ल और भत्ताखोरी मुलविस्ता। ISPR का कहना है कि इंतहाई मतलूब गुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होते देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। इलेक्शन से पहले नाराज अरकीन का मनाने का मिशन। नू लीग में पार्टी टिकटों की तकसीम का मामला हल ना हो सका। पार्टी क़यादत की जानिब से नाराज अरकीन को मनाने का सिलसिला जारी। अरकान को मनाने के बाद हतमी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। आम इंतखाबात से पहले तैयारी, आवाम में जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी चारों सूबों में जलसा करने का फैसला कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन 2024 के लिए अपना इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज्यादा जलसे होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लहू गरमाएंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द के साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। Why should I waste my time here in the Security Council? You can take your Security Council. Here you are. I'm going. मरोगे, मरोगे, और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम में पैदाइश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कायदे आवाम ने इस्तेहसाल के शिकार आवाम को सोचने का शऊर और इज्जत से जीने का सलीका सिखाया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया अफकार पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों के लिए मशलेरा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर को संवारने में अहम किरदार अदा किया। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमत ने हमारे कौम की तारीख पर ना निमटने वाले
अपना पूछ छोड़ दिए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि आम आदमी के हकूक और शहरियों को फैसला साजी में इख्तियार देना उनकी अजीम कारनामे है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें आइन का तोहफा दिया, आइने पाकिस्तान ने हमें एक दूसरे से जोड़े रखा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जुल्फिकार अली भुट्टो के सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को सिर्फ और सिर्फ आइन के मुताबिक चलना चाहिए। जाड़ा आया, धूम मचाया, बदलते मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश तो कहीं है शदीद धुंध। वादी ज़ियारत में आसमान से गिरते रुई के गालों ने हर तरफ सफेदी बिखेर दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बरसात, कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। पंजाब में धुंध से रास्ते धुंधला गए, हद निगाह इंतहाई कम हो गई, कई परवाजें मंसूब, मोटरवे बंद। बढ़ती सर्दी के साथ बीमारियां भी बढ़ गईं। कराची में खांसी, नज़ला और जुकाम के मरीजों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का बताना है कि सर्द हवाएं और मौसम की तब्दीली से बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। सिंध भर में तमाम सीएनजी स्टेशन और सनअतों के लिए 48 घंटों के लिए बंदिश का ऐलान। एसएसजीसी तर्जुमान के मुताबिक सुई सदरन के सिस्टम में गैस की फराहमी में कमी की वजह से गैस की दस्तियाबी में कमी आई। पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना टेस्टिंग, हुकाम के मुताबिक 2% मुसाफिरों की लाजमी कोविड टेस्टिंग होगी। जामिया कराची करीब सिद्दी और दाखिल मुकाबला, मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुलजिम की शनाख्त हसीबुल्ला के नाम से हुई। मुलजिमान बैंक से रकम निकलने वाले शहरी को लूटने लगे। फलस्तीनियों पर जुल्म का सिलसिला रुक न सका, मजीद 120 फलस्तीनियों की जानें ले गईं। अक्वामे मुत्तहदा के शेल्टर समेत मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली फौज की बमबारी, इसराइली फौज का इस्लामी जिहाद के ऑपरेशन कमांडर को शहीद करने का भी दावा। हमास के भी जवाबी वार, इसराइली टैंकों पर रॉकेट दाग दिए, इसराइली फौजियों को धमाका खेज मवाद और मशीन गनों से निशाना बनाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 157 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 64,750 की सतह पर मौजूद। लाहौर में आग ने 4 बच्चों को जला डाला, घर में लगने वाली आग ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। बदकिस्मत खानदान छोटे से कराए के घर में रहता था, पुलिस के मुताबिक कमरे में एक गैस सिलेंडर का चूल्हा था जिससे कमरे में आग भड़क उठी। निगरान वजीर आला पंजाब ने वाकई की रिपोर्ट तलब कर। सखर में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 3 जिंदगियां चली गईं। पन्नू आखिर के करीब मुसाफिर कोच गड़े में जा गिरी, 3 अफराद जान बहा, 19 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। और सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 68 रन पर 7 विकेटें गिर गईं, शिकस्त के बादल मंडराने लगे। That going given out straight into the stumps, the umpire thought.
It's just like that. Just like that. Inside edge onto this. Inside edge. It's got to be inside edge, otherwise plum. He's stone plum. Edge. Did he catch it? Did he catch it? They're claiming it. Nathan Lyon is going absolutely nowhere. That's it. That is it. Can you believe it? This is wrapped up in no time at all. अस्सलाम वालेकुम K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद।